हेलो एवरीवन। और आज आपके साथ जो एससी वर्मा का ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले चीज ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में किया गया है कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक है, स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, जो इस इंक्लाइन प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये रखा गया है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल से आप देख रहे हैं, ये इसकी मास जो है एम डैश है, और यहाँ पे जो इसका मास है, जो इसमें एक थ्रेड से या स्ट्रिंग से इसको हैंग कराया गया है, इसकी मास जो है एम है, जो पुली से होता हुआ, ये एम डैश मास से अटैच्ड है, ये पुली इस तरह से यहाँ से स्ट्रिंग से होता हुआ, और ये एम डैश मास से अटैच है। सारी सरफेस जो है, ये नीचे वाली सरफेस जो है, ये फिक्स्ड सरफेस है। ये नीचे वाला जो सरफेस है, सिर्फ ये सरफेस आपका क्या है, ये फिक्स्ड है। बाकी ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, जिसमें एम डैश भी स्लाइड कर सकता है, एम डैश स्लाइड करके अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, यहां से यहां तक आ सकता है। क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके पास। कर रहा है फाइंड द मास एम, मुझे मास एम चाहिए होगा कि मास एम क्या होगा ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, जो ब्लॉक हैंग हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो ब्लॉक हैंग हो रहा है, इसका मास मुझे चाहिए, हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर विच इज प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ये स्मॉल ब्लॉक है, ये एम मास का स्मॉल ब्लॉक है, ये इस तरह से ये होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे रेस्ट में रहे, ये स्लाइड ना करे, नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइन सरफेस आपके पास दी हुई होती है, इस तरह से कोई इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ हो, और यहाँ पे अगर आप ब्लॉक लेते हो, जिस तरह की इंक्लाइनेशन यहाँ पे फिगर में दी हुई है, यहाँ पे जो फिगर में इंक्लाइनेशन दी हुई है वो कुछ ज्यादा इंक्लाइन है, तो अगर उस तरह का इंक्लाइनेशन है तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन सरफेस मैं बना देना चाहूंगा आपके लिए यहाँ पे। तो अगर इंक्लाइनेशन कुछ ज्यादा हो, इस तरह की इंक्लाइनेशन हो, और यहाँ पे ब्लॉक रख दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे भी ब्लॉक क्या होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये ब्लॉक अगर एम मास का, ये जो एम मास का ब्लॉक है, अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता है तो, और ये रेस्ट में रहता है, अगर इन केस ये रेस्ट में रहता है, ये मोशन में नहीं है, ये भी ब्लॉक रेस्ट में है, सारी चीजें रेस्ट में है, ये भी मान लो कि यहाँ पे हमने इसको कुछ सरफेस दे के यहाँ पे रोक दिया, हाँ ठीक है, यहाँ पे रोक दिया, तब ये ब्लॉक क्या होगा, ये ब्लॉक मोशन में होगा, और मोशन में आके ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो हमें ये बताना है कि आखिर क्या एक्सेलरेशन इस एम डैश को दिया जाए, एम डैश मास को क्या एक्सेलरेशन दिया जाए, ताकि ये जो ब्लॉक है, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, ये रेस्ट में रहे, ठीक है, बात को समझेंगे। देखिए होगा क्या कि अगर आप सोचो कि अगर इस तरह का जो इंक्लाइन प्लेन आपने बनाया है, इस इंक्लाइन प्लेन पे, ये जो इंक्लाइन प्लेन हमने बनाया है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये जो ब्लॉक आप लेते हो, अगर मैं इसको, ये जो एम डैश मास का ब्लॉक आप देख रहे हो, इस एम डैश मास के ब्लॉक को झटके से आगे की तरफ लेके जाऊंगा, कुछ एक्सलेशन के साथ, यूनिफॉर्म मोशन के साथ नहीं, मैं बार बार, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन अगर हुआ तो भी एम मास का, ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, ये नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ एक्सलेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हमने ए एक्सलेशन दिया, अगर ज्यादा ए एक्सेलरेशन दिया, तो पता है ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर चढ़ने लग जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें जो लगेगा वो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एक्सेलरेशन लेके काम करना है जिसमें ये ब्लॉक भी स्लाइड ना करे, और इसका एक एक्सेलरेशन ऐसा हो जो इस ब्लॉक को स्लाइड करने से प्रिवेंट करे, ठीक है। तो इस चीज को बताना है हमें यहाँ पे, इसी बात बात किया गया, विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक, है ना, प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, ताकि बड़ा वाला जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इसके ऊपर जो ये स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, उससे ये रेस्ट में रहे, उसके जहां पे है वहीं पे रह जाए। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग्स आर, स्ट्रिंग और पुली, ये सब तो हम लोग लाइट लेते ही हैं, मतलब इसका हम लोग कुछ कोई कोई मास हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस केस में भी हम, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने नहीं किया, तो यहाँ पे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक, जिस तरह से ये ट्रायंगुलर मास, ये ब्लॉक बना दिया है एम डैश, और ये छोटा वाला जो है,
ये आपका स्मॉल एम है, ठीक है। अब ऐसे तो ये स्मॉल एम है, ये आपको क्या करेगा, अगर रेस्ट में है, जैसा मैं बता रहा हूं रेस्ट में है, तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। कौन सा रेस्ट में है? अगर ये एम डैश मास का जो ब्लॉक है, ये अगर रेस्ट में है, तो स्मॉल एम ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी एम डैश ब्लॉक को कुछ एक्सलेशन के साथ, कुछ ए एक्सलेशन के साथ अगर इधर की तरफ हम करें, तब क्या होगा, तब इस पे पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स स्मॉल एम ब्लॉक पर वो एम ए का लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इनर्सिया के कारण लग रहा है, ये हमें समझना होगा। होता क्या है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक को आपको कुछ एक्सलेशन के साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बात ये है कि अगर मान लो यूनिफॉर्म, पहले मैंने क्या बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी आप नहीं जा सकते। अगर मान लो आप किसी कार में बैठे हो और वो यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो आप आराम से बैठे हुए हो, तो आपको कोई वहां पे फील नहीं होगा कि कोई फोर्स लग रहा है। लेकिन आपको कब फील होगा, जब अचानक ड्राइवर जो है कुछ एक्सलेशन दे दे, उस गाड़ी को एक्सलेट कर दे, और एक्सलेट करे तो आपको क्या लगेगा, आप अभी तक आराम से ऐसे यूं बैठे हुए थे, और जब उसने एक्सलेशन दे दिया तो आप पीछे की तरफ इस तरह से हो जाओगे, तो पीछे की तरफ होगा। उसी तरह से यहां पे भी जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो यहाँ सरफेस पे रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, रेस्ट के केस में तो ये आगे चल पड़ता ना, लेकिन कुछ ऐसा एक सर्टेन अमाउंट का एक्सलेशन यहाँ पे चाहिए होगा हमें, जो कि ये क्या करेगा, ब्लॉक को पीछे की तरफ लेके जाए एम ए एक्सलेशन से। और जब एक सर्टेन अमाउंट का एक्सलेशन से लेके जाएगा, तब ही यहाँ पे ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में रह सकता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ सर्टेन अमाउंट, अब वो अमाउंट क्या होगी वो अभी मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसमें ये जो इंक्लाइन प्लेन पे ये जो ब्लॉक है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड, वर्टिकली जो डाउनवर्ड लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो तो लगेगा आपका एम जी, ये तो लगेगा ही। और जो इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एंगल कितनी बनी हुई है, इसकी एंगल बनी हुई है थीटा, यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ। अब ये थीटा जो है यहाँ पे जो एंगल बनाएगा एम जी के साथ, तो ज्योमेट्री से हमें ये भी पता है कि यहाँ पे इसकी एंगल कितनी बनेगी, सेम एंगल बनेगी थीटा की, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, एम जी कॉस थीटा का, और इसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, तो ये हो गया इससे 90 डिग्री इस तरफ, ठीक है ना, इससे 90 डिग्री के इस तरफ जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो भी बताया हमें कि ये होगा एम जी साइन थीटा, जो इसको रिस्पॉन्सिबल है मोशन में लाने के लिए, है ना। तो थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, साइन थीटा क्लीन करके, ठीक है, एम जी साइन थीटा, ये एंगल काम करेगा इस पे। अभी तक और भी कंपोनेंट, और भी फोर्स इस पे लगेंगे। अब जिस तरह से हमने एम जी को रिजोल्व किया है, उसी तरह से हम एम ए को भी रिजोल्व करेंगे। तो एम ए को जो रिजोल्व करेंगे, तो उसका हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट क्या होगा। तो देखिए दोनों ही डायरेक्शन में आपको देखना है। यहां पे आपको मैं बता दूं, यहां पे एंगल बन रहा है आपका थीटा, यहां पे आप देख रहे हो थीटा, और ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है आपकी, ये लाइन और ऊपर वाली ये वाली लाइन एम ए की तरफ की डायरेक्शन की, ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पे भी इसके साथ एंगल कितना बनेगा, यहां पे बनेगा थीटा। तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा आपका एम ए कॉस थीटा, या एम ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जो कंपोनेंट होगा जो एम जी के डायरेक्शन में होगा, एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका एम ए साइन थीटा, ठीक है। तो थोड़ा क्लीन लिख देता हूं ताकि आपको दिखेगा कि सारा कंपोनेंट वहां पे क्या है, ठीक है। ये कंपोनेंट जो अगला मेरे पास कंपोनेंट है वो है एम ए साइन थीटा का, तो इस तरफ मैं थोड़ा सा टिल्ट करके लिखता हूं एम ए साइन थीटा, ये एंगल यहां पे आपका बनता हुआ दिखेगा आपको। तो ये अभी तक हमने कंपोनेंट को ब्रेक किया है। अब सवाल है देखो कि बैलेंसिंग पोजीशन कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी।
अब हमें ये देखना है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर दो लग रहे हैं आपके फोर्स, एक एम ए साइन थीटा और दूसरा एम जी कॉस थीटा। इस दोनों को कौन कैंसिल करेगा? तो ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको कैंसिल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए मोशन किस डायरेक्शन में है, मोशन तो इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में है ना, तो हमें इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में देखना है कि बॉडी की मोशन किस तरफ होगी। तो अभी हमारे पास ये वाला जो है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ लगने वाला जो एम जी साइन थीटा है और एम जी कॉस थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास जरूर बन सकता है, जो कि हो सकता है कि आपको कहीं पे काम आ जाए। तो R इक्वल टू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ये दो फोर्स है ना, एम ए साइन थीटा, ये दोनों आपको यहाँ पे लग रहे हैं और यही एक दूसरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलरली अपवर्ड और सरफेस के परपेंडिकुलरली दूसरी तरफ जो एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स में इसका इसका कोई रोल नहीं है, जो इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कर था, क्योंकि बॉडी का मोशन उस डायरेक्शन में है ही नहीं, इसलिए मैंने वहां पे उसको हटा दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है। तो फोर्स किधर है भाई, तो इस तरफ है, एम जी साइन थीटा इस तरफ है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर बॉडी रेस्ट में होता तो वो कितना होता, एम जी साइन थीटा से वो ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आता। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एम डेस मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक नीचे भी नहीं जा रहा, ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रहा। अच्छा, ब्लॉक नीचे भी नहीं जा रहा, ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रहा, तो ब्लॉक रेस्ट में है। और अगर मान लो एम जी नीचे होता, ज्यादा होता एम जी का, तो ब्लॉक नीचे आ जाता। और अगर ये कुछ एक्सलेशन के साथ ज्यादा मूव करता, जैसा कि मैंने शुरू में आपको समझाने की कोशिश की थी, कुछ ज्यादा एक्सलेशन से चलता तो ब्लॉक ऊपर चला जाता, एम ए कॉस थीटा उसमें ज्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पे रेस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एम ए कॉस थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है आपके एम जी साइन थीटा को, और एम जी साइन थीटा को अगर ये बैलेंस कर रहा है तो आप दोनों तरफ एम और एम को कैंसिल कर लो। तो ए चाहिए आपको, हालांकि चाहिए तो मुझे मास, इस ब्लॉक का मास चाहिए, लेकिन अभी मैं ए के लिए मैं लिख रहा हूं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा बाय और ये कॉस थीटा। तो मतलब यहां पे आपके पास कितना आ गया, ए इक्वल टू, एक्सलेशन मैंने यहां से निकाल लिया, ए इक्वल टू कितना हो गया जी टैन थीटा, ए इक्वल टू हमारे पास आ गया जी टैन थीटा। मैंने एक्सलेशन को अभी निकाल लिया है, अब यहां पे हमें देखना होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए ये जो ब्लॉक एम है और ये ब्लॉक एम है, अब चूंकि ब्लॉक एम मैंने यहां पे लिखा है कि ये रेस्ट में है, तो अब जब ये रेस्ट में है तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये, इसका मास कितना होगा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मास कितना होगा टोटल सिस्टम का, वो टोटल सिस्टम मिलके बन गया आपका एम डैश प्लस एम, ये टोटल सिस्टम हो गया। और इसमें नीचे की तरफ कितना लग रहा है जी, ठीक है ये जी लग रहा है, लेकिन चूंकि ब्लॉक का मोशन किस तरफ है, ब्लॉक कितने एक्सलेशन से जा रहा है, तो ब्लॉक जा रहा है आपका ए एक्सलेशन से, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, और जितने एक्सलेशन से ये ब्लॉक मूव करेगा उतने ही एक्सलेशन से ये वाला ब्लॉक भी नीचे की तरफ मूव करेगा, एम वाला एम मास का ब्लॉक, ये भी उतने ही एक्सलेशन से नीचे की तरफ मूव करेगा ए एक्सलेशन से। तो यहां पे ये मान लो ये ए एक्सलेशन से आपका ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना मोशन में ये है। अब ये ए एक्सलेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है एम जी, क्योंकि कोई दूसरा यहाँ पे फोर्स है ही नहीं जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जहां तक मैं इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूं, चूंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स इसलिए भी, क्योंकि ये ब्लॉक का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है,
ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ ये क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन है क्या? ये जो मोशन जो ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में ना ऊपर की तरफ मोशन है ना नीचे की तरफ मोशन है। तो इसलिए आप इस तरह के जो आपके पास दिया हुआ है इसको आप इग्नोर ही कर दो, ये एक्स्ट्रा कंसीडर करने की आपको जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपके पास यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, इस तरफ ओरिएंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जितने एक्सलेशन से ये मूव कर रहा है उतने ही एक्सलेशन से ये भी नीचे की तरफ मूव करेगा। अब इसी के बारे में मुझे क्लियर चाहिए कि अब मुझे एम का मास चाहिए, तो डायरेक्ट भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि एम का मास कितना होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैं एक्सलेशन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा। एक्सलेशन ए इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, है ना, फोर्स फोर्स अपॉन मास मैं अप्लाई करूंगा, तो फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स, नेट फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है, एक ही फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। हमारा नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स तो यही है एम जी, जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको लिख दिया हमने एम जी। इसके अलावा और कोई फोर्स इस सिस्टम पे तो लग ही नहीं रहा जो इसको एक्सलेट करा सके। दूसरा जो नेट मास है, नेट मास भी हमें देखना होगा। तो ये मास ऊपर से देखते हैं, पहले एम डैश जो बड़े ब्लॉक का मास है, उसके बाद छोटा ब्लॉक का मास स्मॉल एम, प्लस वो ब्लॉक जो हैंग हो रहा है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है, टोटल मास हमें देखना है, तो टोटल मास, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ये एक्सलेशन के इक्वल है, और एक्सलेशन हमारा कितना है, वो है हमारा जी टेन थीटा के इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास जो आ गया, ये हमारा आ गया एक्सलेशन का वैल्यू, और यहीं से हमें मास भी यहां पे हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये इस दोनों इक्वेशन में से ये जी और जी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आ गया अब आपके पास एम इक्वल टू ये वाला एम, एम इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे ताकि इसके साथ प्रोडक्ट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे एक एम के साथ एम टेन थीटा इसको अलग कर लेते हैं प्लस, और ये दोनों का टेन थीटा के साथ एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू टेन थीटा, ये आ गया। अब इसमें आपको अगर यहां पे लेके आना है तो इसको आप इधर कर लो, एम माइनस इसको अगर आप इस तरफ लेफ्ट साइड में लेके आते हो तो माइनस एम टेन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू, और ये पूरा एज इट इज रह जाएगा, एम डैश प्लस एम और इनटू में टेन थीटा। अब चाहे तो हम यहाँ पे कॉमन भी लेंगे, अभी कॉमन लेके भी मैं आगे दिखाता हूँ कैलकुलेशन। यहाँ पे अगर एम कॉमन ले लेते हैं हम तो कितना आ जाएगा, मैं कॉमन लेके दिखा रहा हूँ आपको, ये एम हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस 10 थीटा इक्वल टू, और इस तरफ वही रह जाएगा कि एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा, ये एज इट इज रह जाएगा इंटू टेन थीटा। और अगर यहाँ पे एम चाहिए आपको तो एम कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा। अभी इसको आप और यहां तक तो ये m की वैल्यू दे ही रहा है, चाहे तो इसको हम और भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं, इसको अगर इस तरह से लिख लें, m इक्वल टू m डैश प्लस m, ये मैंने लिख लिया, और मैं चाह रहा हूं कि ये जो नीचे में है इस तरह से 1 प्लस 10 थीटा, इसको 1 प्लस 10 थीटा, अभी ऊपर वाले को मैं भूला नहीं हूं, यहाँ पे 10 थीटा है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ डिवाइड में अगर लेके आऊं तो देखो क्या होगा, 1 बाय 10 थीटा इस तरह से, इसके बाय में भी आ जाएगा 10 थीटा, तो ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा एम डैश, ऊपर वही रहेगा एम डैश प्लस एम अपॉन में ये हो जाएगा कॉट थीटा, है ना, आपको भी पता है 1 बाय 10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे माइनस था आपका, ये माइनस था यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो ये माइनस 1,
और ये इस तरह से ये जो आपके आंसर का रिजल्ट है वो उसके इक्वल आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एम मास कैसे फाइंड आउट किया गया है ये आपको पता लग गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसको आप यहाँ पे डिस्कस हमने किया है आपके साथ और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे।